गुड इवनिंग फ्रेंड्स वेलकम यूर यूर वॉचिंग नेचुरल गैस की क्या न्यूज़ आई है नेचुरल गैस के क्या लेवल्स आएंगे मंडे को और क्या बहुत बड़ा डाउनफॉल होने वाला है नेचुरल गैस के पोजिशनल ट्रेड क्या रहेंगे तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पे मैं एक चीज पे फोकस करना चाहता हूँ मैंने ये वीडियो बनाया था दोस्तों मैंने पहले ही भाप लिया था जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत बड़ी प्राइस फॉल होने वाली है मेरा आप थंबनेल देख पा रहे हैं नेचुरल गैस में आने वाली कयामत बड़े डाउनफॉल की तैयारी थी और जब ये मैंने वीडियो बनाया था और उसके बाद ही उसके तीन चार घंटे बाद ही आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा डाउनफॉल आया आप देख सकते हैं नेचुरल गैस में बहुत बड़ा डाउनफॉल आया ये देखिए देखिएसेंट का तो दोस्तों, दोस्तों अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैंने ऐसा सेवन परसेंट का फॉल कैसे प्रेडिक्ट कर लिया है राइट और दोस्तों ये पहली बार नहीं है बार बार है इस प्रोडिक्शन के क्या मायने हैं जब आप दोस्तों हर चीज का लॉजिकली एक्सप्लेनेशन हैं अगर आप लॉजिकली ट्रेड करते हैं ट्रेड के पीछे आपके पास रीजन होते हैं सिर्फ अगर आप कैंडल स्टिक ट्रेड कर कैंडल स्टिक देख के ट्रेड करते हैं तो ये आप कभी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे लेकिन अगर आप जियो पॉलिटिक्स का नॉलेज रखते हैं क्रूड ऑल से रिलेटेड न्यूज का एनालिसिस करते हैं लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आप करते हैं ठीक है ना आपका माइंड अच्छा है अगर आप ढंग से टेक्निकल चार्ट भी ढंग से असेस करते हैं राइट रिस्क मैनेजमेंट हेजिंग ये सब आप ना you know, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैं यहाँ बताऊंगा लेकिन वो आपको मेरे दूसरे चैनल अजय का उल्टा चश्मा आप नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो उसमें ये सारी स्ट्रेटेजीज होती है ठीक है ना बियॉन्ड टेक्निकल स्टफ स्टॉफ सो मेनी अदर थिंग्स राइट वोट के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे तो दोस्तों आज है सैटरडे एंड uh, मैं ये चाहूंगा कि आप ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखें क्योंकि बहुत बेनिफिटेड होने वाला तो सबसे पहले बात आ जाती है कि मैंने ये गैस कैसे कर लिया काफी लोगों के पास दिमाग में क्वेश्चन होगा सर ये आपने ये आपने कैसे ये तुक्का था अगर आपको ऐसा लगता है तुक्का है तो ऐसे मैंने बहुत सारे प्रोडिक्शन किए हैं सारे विडियो जाके देखे आपको पता चल जाएगा मैंने ऐसे सात सात परसेंट वाले बहुत ज्यादा डाउनफॉल वाले काफी किए हैं और सब ऑलमोस्ट नाइन परसेंट सारे हिट हुए हैं लेकिन अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन सर ऐसा करते हैं कैसे आप देखो देखो क्या होता है ना जब आप चीजों को समझते हैं अगर आप सिर्फ कैंडल स्टिक देखना चाहते हैं ठीक है ना तो आप हमेशा कैंडल स्टिक में खोए रहेंगे कि और कुछ नहीं मिलेगा आपको देखिए यहाँ पे मैंने कैसे डाउनफॉल प्रेडिक्ट किया था

ये हमारे पास ऑप्शन के डेटा और एक्सपायरी के डेटा हाउस वगैरह हमने देख लिए थे राइट तो वो मुझे पता चल गया था कि ऑप्शन का गेम है काफी लोग बोले थे सर ये न्यूज़ का है न्यूज का है बट आई वॉज वेरी श्योर कि ये ऑप्शन का है तो मुझे पता चल गया था यू नो क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ऑप्शन में क्या खेल होता है आपको नहीं पता होगा तो ऑप्शन एक्सपायरी जैसे पास आती है फ्यूचर एक्सपायरी पास आती है काफी लोग बोले थे सर रशिया कैप वाली जो प्राइस कैप वाली न्यूज है ये उसकी वजह से हुआ है देखो प्राइस कैप वाली न्यूज़ कोई नई नहीं है अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं और अगर आप लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आप ट्रेड करते हैं

जैसे बोलते हैं कि मार्केट में हर एक चीज के लिए माना चाहिए फॉर एक्जाम्पल अगर निफ्टी है निफ्टी में अगर कोई मान लो स्टॉक ऊपर जा रहा है जैसे बोल बोलो एक्जाम्पल अडानी ऊपर जा रहा है बिना किसी अगर न्यूज के ऊपर जा रहा है ना तो से भी एक्सप्लेन मांगने लग जाता है कि वाई दिस इज हैपनिंग वाई दिस फ्लक्चुएशन एंड ऑल तो उनको एक बहाना चाहिए होता है कि हाँ भाई ये न्यूज है अब इनको बहाना चाहिए होता है कि रशिया के वाली न्यूज है उसकी वजह से हमने किया जबकि है अंदर का खेल ना ऑप्शन एक्सपायरी का ठीक है ना तो ये सारी स्ट्रेटेजी वगैरह मैं अजय का चश्मा में तो बताता रहता बता वो आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है ना तो यहाँ पे ये वाली चीज थी अब हमने इस चीज का कैसे फायदा उठाया भाई मैंने मेरा देखो देखो ये माइंडसेट वाली चीज है 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 आप कैसे फोकस करते हो पे टेक्निकली ज्यादा नहीं ठीक है, है ना तो मैंने उनको बोल दिया सब लोगों ने भर के कर लिया अब देखिए कल मंडे को क्या हो जाए मिला मंडे को फिर से मुझे लगता है अभी जो सात परसेंट का दिखा ना मंडे ये और चार पांच परसेंट जा सकता है नीचे डाउन और अगर इतना जाता है तो मुझे लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर सारे माला माल यू नो तो ठीक है ना तो ये एक छोटी सी चीज है ऐसे हम हजार चीजें डिस्कस करते हैं हर वीडियो में अगर आप मेरा कोई भी वीडियो उठा के देखेंगे ना आपको पता चल जाएगा कि हम पूरा एक पैकेज लॉजिकल एनालिसिस स्किल नॉलेज रिस्क मैनेजमेंट टेक्निकल चार्ट रिस्क असेसमेंट सब कुछ पूरी डिटेल में एनालिसिस करते हैं क्योंकि मेरा मानना है दोस्तों मैं एक बनिया हूँ ठीक है ना तो बनिया आप जानते हैं अपना एक पैसा भी ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करते जहां पे उनको रिटर्न ना मिले तो चलिए अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी न्यूज नहीं आई है उनके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं ठीक है ना तो हम आ गए हैं यहाँ पे ठीक है, ठीक है ना ठीक है ना तो ये वाली न्यूज हम पहले बात कर लेते हैं

देखा दर अ डिफरेंस बिटवीन द एंड नॉलेज ठीक है ना अक्सर लोग इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को एक जैसे ले लेते हैं लेकिन इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन इफॉर्मेशन एंड नॉलेज इन्फॉर्मेशन क्या होती है इन्फॉर्मेशन आपको चारों तरफ दिखती है आपको ये जैसे न्यूज है फॉर एग्जाम्पल आप नेचुरल गैस में ट्रेड करना चाहते हो और आपको ये न्यूज मिली है राइट सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन की जर्मनी वॉन्स ऑफ दिस विंटर इफ स्टोरेज डिप्स बिलो फोर्टी परसेंट लेकिन अब ये न्यूज मैनुपलेटेड है और इस न्यूज का इम्पेक्ट क्या होने वाला है इस न्यूज के मायने क्या है जियो पॉलिटिक्स क्या है ठीक है ना इसके इसके क्या भाव निकल रहे हैं अगर वो आप समझ गए ठीक है ना और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया सो दैट इज योर नॉलेज समझ लो वही चीज होती है जैसे आजकल नॉलेज तो सबको होता है न्यूट्रिशन का उनको खाना क्या है पीना क्या करना क्या है लेकिन कब खाना होता है कितनी क्वांटिटी में खाना खाता है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना होता है वो लोग नहीं कर पाते सो दैट इज जस्ट अ इन्फॉर्मेशन इट्स नॉट अ नॉलेज तो उसी तरीके से जब आपके पास कोई न्यूज आती है तो अगर आपने उस न्यूज को देख लिया सो इट डजेंट मैटर कि उस न्यूज को आपने देख लिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा अभी देखो हर न्यूज के ना बहुत सीक्रेट्स होते हैं बिहाइंड द स्क्रीन काफी सारे अलग मतलब होते हैं उसका कि कोई न्यूज स्टेबल है कोई न्यूज अनस्टेबल है हो सकता है आपने कभी बार न्यूज ना होगा डिस्पाइट डिस्पाइट डेटास डेटास क्रूड ऑयल इज गोइंग अप नेचुरल गैस इज गोइंग अप यू नो तो इसलिए अगर आप उस सिर्फ न्यूज़ को पढ़ के, पढ़ के के नॉर्मली कई भाई जर्मनी ऑफ दिस विंटर गैस लेर्मनी वो फोर्टी परसेंट मतलब आपने क्या बोला ओहो यहाँ पे तो डेंजर है ठीक है नेचुरल ना, ना, गैस में तो सप्लाई बढ़ जाएगी और आपने तो ये, ये होती है जो अक्सर लोग गलती करते हैं अब देखिए अब मैं इसका आपको बता देता हूं पहले मैं पूरी न्यूज को पढ़ूंगा ट्रांसलेट करूंगा हिंदी में आपके लिए बताऊंगा भी और फिर इसके क्या मतलब निकलते हैं मायने क्या निकलते हैं उसके बारे में डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे तो जर्मनी मे द स्टोरेज ड्रॉप्स बिलो फोर्टी परसेंट बाई फॉर फर्स्ट ईयर अकॉर्डिंग टू द जर्मन फेडरल नेटवर्क एजेंसी विच विल कनेक्ट

आपको पता है आने वाली दिसंबर में आपको पता है आपको कपड़े पहनने आपको पता है कभी कभी आपको आग जलानी पड़ती है आपको पता है कभी कभी हीटर जलाने पड़ते हैं ठीक है कोयले ज्यादा बंद होते हैं तो इसमें कोई नई बात है क्या लेकिन इसी न्यूज को ना मोल्ड करके न जाने एक बार ही दस बार परोसा जाता है राइट तो इस चीज का कोई मतलब नहीं है तो आपको क्या लगता है कि एज अ नॉर्मल पर्सन आई डोंट नो लाइक दिस इज गोइंग टू हैपन ठीक है ना और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और डिप्लोमेट्स होते हैं दोस्तों दे वे योर इमेजिनेशन जो आप सोच भी नहीं सकते ना उस लेवल पे जाते हो राइट तो कोई मतलब नहीं इस न्यूज का ठीक है ना अब इस न्यूज को लोग कैसे लेंगे कि भाई डिमांड बढ़ेगी क्योंकि सप्लाई कम रहेगी गैस स्टोरेज की कमी हो जाएगी डिमांड बढ़ेगी ठीक है ना और उनको लगेगा कि प्राइस ऊपर जाएगी जबकि प्राइस तो नीचे जा रही है राइट तो ये एक चीज है दोस्तों ये अब जो ये चीज है ना इसको कोई मतलब नहीं है अब आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी न्यूज़ का क्या इम्पेक्ट होता है अब मैं बोलूंगा अगर मुझसे पूछूँ ना तो इस न्यूज का कोई इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि पहली बात तो ये सिर्फ यूरोप से रिलेटेड है दिस इज नॉट इंटरनेशनल लेवल आज जो क्राइसिस हो रहा है वो सिर्फ यूरोप में हो रहा है नेचुरल गैस का और कहीं क्राइसिस नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं है वो कब से राइट फर्स्ट और सेकंड थिंग इज कि अभी आपकी न्यूज आई थी यूरोप में कि उन्होंने 100 परसेंट स्टॉकअप लिखा हुआ है तो इस न्यूज का कोई मतलब ही नहीं उनको भी पता है कि विंटर में नीचे जाने वाला है तो उनको खुद को ही पता है राइट तो इस न्यूज़ का कोई मतलब नहीं है बताने का मतलब यही था दोस्तों कि न्यूज को समझना बहुत जरूरी है ठीक है ना हालांकि ये चीज आपको है ना प्रैक्टिस से आएगी दोस्तों सिर्फ मैं अगर आपको बता दू तो उससे समझ नहीं आएगी लेकिन आप ये प्रैक्टिस में लाना स्टार्ट करिए दोस्तों अगर आप जेन्यून ट्रेड करेंगे और जेन्यून तरीके से ट्रेड करेंगे क्योंकि देखो क्या है ना मंजिल को पाना एक अलग चीज होती है लेकिन जो पाथ है वो भी मैटर करता है अगर आप गलत तरीके से जाते हैं और मंजिल को पा भी लेते हैं तो वहां सस्टेन नहीं कर पाएंगे ठीक है ना अगर लेकिन अगर आप राइट वे से जाते हैं एंड देन यू गोना गो योर मंजिल राइट तो वहां पे सस्टेन करना इजी जरूरत है यहाँ सस्टेन की तो बात है अगर मैं बोलूँगी तीन महीने में, में आपने कमा लिया लेकिन आने वाले एक साल में गवा दिया तो कोई मतलब नहीं ना उस चीज का देखो रशियन टर्मिनल अब ये न्यूज क्या है Russian hackers are in the digital system of LNG terminal in Rotterdam to determine how effective an attack would be. The Europe energy infrastructure has become a Russian target as it continued to weaponize energy following its invasion of Ukraine. This is just this is just the latest in the string of threats. The seven Russian citizens have been detained in the recent week for flying drones or taking photos of sensitive sites in Norway. cyber attack ठीक है ना वो साइबर अटैक कर रहे हैं रशियन हैकर्स तो ये न्यूज आती रहती है चाइनीज भी आती रहती है रशियन ट्राइंग टू द है ये देखिए ये क्वेश्चन यही है कुल मिला के रशियन इंडस्ट्री क्या कर रही है को पता चल गया देखो सबके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना कि भाई रशिया से गैस नहीं ले रहा यूरोप ठीक है अमेरिका से ले रहा है ठीक है ना दु, दुनिया भर में बातें आती रहती कि यूरोप में क्राइसिस तो यूरोप जिंदा कैसे तो रशिया क्या चाह रहा है कि है अपने हैकर्स को बोल के वो उनके एल सिस्टम में घुसना चाह रहा है उनकी सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है कि उनको कहाँ से क्या मिल रहा है कितनी उनकी स्टोरेज है ताकि वो इस हिसाब से रिएक्ट कर सके तो ये एक नॉर्मल चीज है दोस्तों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस न्यूज से कोई मतलब नहीं है ठीक है ना तो बेशक यहाँ पे कोई न्यूज का मतलब नहीं अब आप बोलेंगे कि सर आप इतने क्यों वीरिश हैं भाई साहब

तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि दोस्तों आपको थोड़ा सा ना इसमें पैशनेट होकर करना पड़ेगा क्योंकि ये चीजें कब आएगी मैं अगर आपको कहूंगा कि आप बहुत डीपली ऑब्जर्व करें तो कोई कहेगा मैं डीपली ऑब्जर्व क्यों करूं पर इसको इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें वो सिर्फ पार्ट टाइम करने आया है और सिर्फ लेवल लेके जाने वाला है उसको इंटरेस्ट ही नहीं है वो क्यों ऑब्जर्व करेगा डीप में अगर वो डीप में ऑब्जर्व नहीं करेगा तो उसको सही मायने भी नहीं मिलेंगे राइट अभी मैं बता देता हूँ कि मैं क्यों बी रिश हूँ तो दोस्तों जब मैंने पूरा करंट अफेयर्स का मेरा पूरा इस इंडस्ट्री का जो बेसिकली जो नेचुरल गैस क्रूड से रिलेटेड है यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली नेचुरल की बात कर रहा हूँ तो देखिए एक होता है अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ वो होते हैं जैसे फ्यूल्स हो गए रिलेबल एनर्जीज हो गई ग्रीन हाइड्रोजन गैसेज हो गई ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स का काफी चल रहा है राइट ये जो सारी चीजें ना ये डिमांड में दिस इज द फ्यूचर ठीक है ना अभी जैसे आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल का सुना है तो इंडिया में ये फैल है electric vehicle का फैल है है राइट इलेक्ट्रिक व्हीकल का का लेकिन आपको पता एथेनॉल जो गन्ने से बनता है एथेनॉल मिला के वो पेट्रोल में मिलाया जा रहा है तो पेट्रोल की लागत कम हो रही है इम्पोर्ट कम हो रहा है जो यूरोपियन कंट्रीज में वहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं प्लस अभी ग्रीन हाइड्रोजन का सब रेस में लगे हुए हैं और अभी ये दोस्तों माहौल है ज्योग्राफिकल की जो आदमी जो कंट्री एनर्जी लीड में करेगी एनर्जी को लीड करेगी मतलब जिस कंट्री के पास एनर्जी के सोर्सेज ज्यादा होंगे वो कंट्री सुपर नेशन पावर मिलेगी आगे वाले फ्यूचर्स में राइट अभी ऐसा नहीं है क्योंकि अभी कौन है एनर्जी में क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में ओपे कंट्रीज बट सुपर ने, नेशन पावर नहीं है अभी भी राइट सुपर नेशनल है राइट right? लेकिन आने वाले टाइम में जिसके पास एनर्जी का मार्केट रहेगा वही सुपर नेशन पावर होगा तो आज इसीलिए सब लोग रेस में लगे हुए हैं सोलर एनर्जी एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स बेसिकली ये चीजें पहले क्यों नहीं आई थी मार्केट में पहले भी थी मार्केट में सोलर पावर का कितना चल रहा था इंडिया में लेकिन बात ये थी कि जितनी भी अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज है ना दे आर क्वाइट कॉस्टली अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है तो जो एक कंपनी थी सुजलोन जो बिल्कुल लॉस मेकिंग हो गई बिकॉज वो सोलर इंडस्ट्री पे काम करती है वो वाइंड सोलर वाइंड एनर्जी पे काम करती है राइट उसके इक्विपमेंट्स इतने कॉस्टली आते हैं कि एक डेवलपिंग कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर सकती और इक्विपमेंट महंगे आने के बाद में उसमें मार्जिन अच्छा नहीं है ठीक है ना इसी वजह से हम लोग ग्रो नहीं कर पाए थे लेकिन अब जो ज्योग्राफिकल चेंजेस हो रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी पैसा है जैसे यूरोप अमेरिका तो वो काफी ज्यादा फोकस करने लगे हैं सोलर और वाइंड एनर्जी पे उसकी वजह से क्या हो रहा है नेचुरल गैस का जो मार्केट है ना दोस्तों वो पूरा खत्म होता जा रहा है क्यो, क्यों क्यों खत्म हो रहा है क्योंकि नेचुरल गैस के जो सोर्सेज है वो किसी चंद कंट्रीज के पास है तो अमेरिका आप देखो धीरे धीरे सोलर में एक सुपर पावर बनता जा रहा है आप आने वाले टाइम में देखेंगे अमेरिका सोलर पावर में आज तक अमेरिका क्या है कि सोचता था कि मैं कुछ प्रोडक्शन ना करूं

हमको वाइंड एनर्जी में लीड करना है हमको फॉसिल फ्यूल्स रिन्यूएबल एनर्जी इसमें हमको लीड करना है राइट तो जब इन्होंने ये स्टार्ट किया ना तो नेचुरल गैस का कोई फ्यूचर नहीं रहा अब नेचुरल गैस देखो नेचुरल गैस का कहाँ यूज होता है हालांकि अगर, अगर आगा आगा आप नेचुरल गैस का अगर आपको नहीं पता तो इवन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी नेचुरल गैस का यूज होता है कॉमर्शियल सेक्टर में काफी सारा यूज होता है नेचुरल गैस का तो वो छोटा मोटा यूज होता रहेगा लेकिन जो बिग इसकी इंडस्ट्री है ना नेचुरल गैस की वो कहाँ है यूरोप में राइट गर्मी हीटिंग वगैरह एनर्जी रिएक्टर्स वगैरह वहां पे बहुत कम हो जाएगा और जब ग्रीन हाइड्रोजन आएगा ना तब तो खत्म ही है तो इसीलिए इसका कोई मार्केट नहीं दोस्तों इसीलिए मैं शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा बेरिश रहता हूँ अब वो आप बोलेंगे ये शॉर्ट टर्म का तो लॉन्ग टर्म हुआ तो दोस्तों जब तैयारी स्टार्ट हो जाती है तो मार्केट में सेंटिमेंट्स होते हैं आप समझ गए अगर मैं बोलूँ कि भाई प्रमोटर्स आने वाले हैं इन्फोसिस में बाईबेक होने वाला है बाईबेक हुआ तो नहीं लेकिन सिर्फ बाईबेक की न्यूज आई तो क्या होता है पता आपको राइट बाईबेक से क्या होता है बढ़ता ही है राइट right? प्राइस बढ़ते ही अगर उसको ओपन मार्केट अगर उसको ओपन मार्केट में नहीं ऑफ मार्केट में किया जाए उसी तरीके से जब इस तरीके से जब सेंटिमेंट ग्रो होते है ना तो दोस्तों मार्केट है ना नीचे ही जाता है तो इसीलिए मैंने अगर आपको अब जैसे आप मेरे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है तो सिक्स था ना ये सेवन तक गया हमने वहाँ पे शॉर्ट करके कम बहुत बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा और आज देखिए आज हमको अपना फल मिल रहा है तो ये जो आपको फल मिला ना ये सब्र का सब्र का फल नहीं है सब्र का फल है ये आपके नॉलेज का फल है सब्र का तो है ही ये नॉलेज ये का फल है यू नो नॉलेज फ्रूट दिस इज अ नॉलेज फ्रूट यू नो तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कभी भी ट्रेड करें स्किल्स और नॉलेज के साथ करें सिर्फ और सिर्फ कैंडल के अकॉर्डिंग अगर आप करने वाले हैं तो फिर मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल हो सकती है राइट तो देखिए अब यहाँ पे मैं लेवल्स बता देता हूँ आपको काफी बातें हो गई है मैं लेवल्स बता देता हूँ आपको कि अभी सिक्स पॉइंट एट जीरो पे है अगर आप मुझसे मंडे का प्रोडिक्शन पूछते हैं तो अभी हो रहे हैं सैटरडे को एक बजकर नौ मिनट्स अभी अगर आप मुझसे एक कन्विक्शन ले राइट right? सो so, मुझे लगता है कि मैं कन्वेक्शन यही दूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि नेचुरल गैस कल भी मतलब मंडे भी चार परसेंट के आसपास डाउनफॉल होने की बहुत ज्यादा संभावना है बहुत ज्यादा संभावना है ठीक है ना तो अगर ऐसा होता है तो मेरे सारे सब्सक्राइबर माला माल अभी माला माल है हालांकि इसी प्राइस पे लेकिन हमने बोला है कि ये और नीचे जाएगा ठीक है ना तो अभी तो मालामाल होना बाकी है दोस्तों राइट अभी तो काफी होगा ठीक है ना मैं इसके लेवल्स आपको अगर आपको मंडे किसके इंटर डे चाहिए तो इंटर डे मिलेंगे और आपको पोजिशनल चाहिए तो पोजिशनल भी मिलेगी तो चलिए बात कर लेते हैं कि डे में क्या रहने वाले पहले कौन सा है लेवल टूटने वाला है तो ये आ गए हमारे पहले तो हम आ गए ये इंटरनेशनल मार्केट में तो वनडे का चार्ट क्या कह रहा है वनडे का चार्ट तो काफी ब्रेकआउट है वन वीक का चार्ट क्या कह रहा है देखिए वन वीक का चार्ट जो कह रहा है ना उस हिसाब से मुझे लग रहा है देखिए यहाँ पे अगर आपको न्यूज कुछ तो देखिए यहाँ से अगर आप मुझसे पूछे हैं, वन वीक का चार्ट भी देख लेते हैं तो दोस्तों यहाँ से ना जो अगला लेवल है ठीक है ना वो सिक्स तो है ध्यान से से दोस्तों वापस रिपीट नहीं करूंगा तो मैं लगता है कि देखो कोई मार्केट में कोई भी चीज शॉर्ट शॉर्ट नहीं होती है आपके कन्विक्शन होते हैं आपका नॉलेज होता है तो अकॉर्डिंग टू दैट यू नो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज मैं आई एम डैम श्योर कि इट कैन गो अ वेरी हाई चांस यू नो 6.65 के डेफिनेटली आएंगे लेकिन अगर 6.65 कर जाता है ध्यान रखिएगा दोस्तों वापस से रिपीट करता हूँ 6.60 कर बहुत, बहुत अगर ब्रीज करता है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों आपको आने वाले टाइम में 6.20 के लेवल्स भी मिल सकते हैं और बहुत जल्दी मिल सकते हैं अब आप सोचेंगे इतना बड़ा डाउनफॉल का वेट है तो यही तो दोस्तों जब वर्चुअल ट्रेडिंग हो रही थी ऑप्शन में तब लोग घबराए हुए थे राइट वो वर्चुअल लेवल्स से दोस्तों यू नो वर्चुअल लेवल समझते हैं वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए वो लेवल्स थे वो एक्चुअल में लेवल्स नहीं थे यू you नो know? तो जो रियल लेवल्स है वो अभी आना बाकी है ना तो इसके काफी नीचे के लेवल्स वेरी, है वेरी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा देखो मंडे को बहुत कम चांसेस है कि ऊपर जाए अगर ऊपर जाता तो आई एल बी मोर हैप्पी क्योंकि मैं वहां पे फिर से शॉर्ट करूंगा तो जैसे ही मैं शॉर्ट और सेल बाय की बात करता हूँ दोस्तों दिस चैनल इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन आपको बिल्कुल भी नहीं दी जाती है अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो आप या तो सर्टिफाइड एडवाइजर से कंसल्ट करिए या फिर अपनी खुद की रिसर्च करके ट्रेड करिए क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बिकॉज आई एम नॉट सर्टिफाइड एडवाइजर आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर सो लेट्स टॉक ठीक है अब इंट्राडे की अगर बात करें तो इंट्राडे में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं सिक्स पॉइंट सिक्स फाइव पर मेरे व्हाट्सपे बोलते सिक्स पॉइंट सिक्स फाइव के आपको मिलने वाले ये इंट्राडे है ठीक है ना डेफिनेटली गैप गैप डाउन सेवन के फिर हो सकता है बाइक है अभी बहुत ऊपर है ना तो चलिए बात कर लेते हैं इंडियन मार्केट काफी लोग इंडियन मार्केट का वेट कर रहे हैं। तो बात कर लेते हैं हमारे इंडियन मार्केट की ये है हमारी दिसंबर की एक्सपायरीज राइट देखो सिक्स वन पे है ठीक है ना ये सिक्स वन पे आ गया है ठीक है ना अभी बहुत नीचे जाने वाला है बहुत ज्यादा नीचे जाने वाला है ठीक है ना कौन से लेवल्स पे जाने वाला फटाफट बता देता गाइस आई एम नॉट हैप्पी है आई वाज राइट क्योंकि देखो हमारा हमारे ग्रुप में कन्वर्जेशन चल रहा था सब लोग बोल रहे थे कि सर ये ऑप्शन एक्सपायरी से नहीं हुआ सर ये रशिया प्राइस की न्यूज था सो आई वाज वेरी मैं वहाँ पे अड़ गया था नहीं कि ये ऑप्शन एक्सपायरी की वजह से हुआ था तो so, अब जब ये प्रूव हो गया तो आएम आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज ये प्रूव हो गया कि आई एम राइट अंडरस्टैंड दिस इसलिए हैप्पी नहीं हूँ कि मैं राइट हूँ तो इसके दोनों दो रीजन है पहली बात तो सारे सब्सक्राइबर खुश हैं, क्योंकि वो सोचे नीचे आ जाए दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं इसलिए नहीं खुश हूँ कि मैं सही हूँ गलत नहीं कि मैं सही डायरेक्शन you know? इसलिए खुश हूँ कि मैंने एक सही डिसीजन लिया एंड एक नाइसफुल nice थॉट मैंने इंप्लीमेंट किया दैट फॉर दैट रीजन आई एम वेरी हैप्पी यू नो आई एम नॉट हैप्पी की मैं जीत गया कोई दूसरा हार गया ऐसा नहीं क्योंकि देखो जब आप अभी जीतने की खुशी मना रहे हो ना तो कल हारने पक्का आता है आपका Definitely, this is the market, right? तो अगर आप जीतने की खुशी मनाते हो, तो हारने का शौक भी मनाना चाहिए ना तो जीतना की खुशी मनाने का को मतलब नहीं है क्योंकि आपको पता आगे आपको हारना भी रही बट अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अगर आप हारते भी हो ना तो आपका माइंड अगर सही रहता है ना और आपको पता है कि आपने इस वजह से हारे हो इस वजह से हारे हो तो वहां पर हार के भी आना आप वापस इस चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं नो लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही माइंडसेट से जाएगी बस मुझे जीतना है मुझे जीतना तो देन यू विल डू लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स राइट तो मैं यहाँ पे लेवल्स बताता हूँ लेक्चर तो बहुत हो गया तो वन वीक का चार्ट क्या होता है है ना देखो पे जो दिख रहा मेरे को अगेन यहाँ पे डाउन साइड काफी दिख रहा है राइट तो ये देखो अभी तो करेक्शन हुआ नहीं आपको पता है ठीक है ना करेक्शन अभी देखो वहां सात परसेंट हुआ है यहाँ पे इंडियन मार्केट में छह सौ एक ही हुआ तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको पांच सौ अस्सी के लेवल तो वैसे ही मिल जाएंगे आपको राइट तो मुझे लग रहा है अगर पांच सौ देखो सत्तर ब्रीच करता है ना पांच सौ अस्सी के तो मिलना ही मिलने है आपको राइट लेकिन अगर पांच सौ सत्तर ब्रीज कर दोस्तों वापस तो रिपीट नहीं करूंगा पांच सौ सत्तर ब्रीज करता तो सीधा फाइव फिफ्टी के आसपास आ सकता है अब मुझे बताइए छह सौ से फाइव फिफ्टी कितना होता है दस परसेंट आपको पता दस परसेंट इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है तो इसीलिए तो वेट करिए जिन्होंने हाई लेवल पे एवरेज किया सुन के आज वो मुझे लग रहा है कि लाखों में खेलेंगे ठीक है ना लाखों में खेलोगे तो आपको है ना अपना एनालिसिस दोस्तों अगर आप हमेशा स्किल बेसिस कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर आपसे कैंडल ंडल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कैंडल तो दिक्कत है तो यहाँ के लेवल्स तो मुझे इजीली मिलेंगे मंडे को डेफिनेटली मिलेंगे एंड आई थिंक यू विल बी वेरी हैप्पी माई हो सकता है राइट फाइव एटी मिलेंगे ऊपर के लेवल में देखो अगर ये छह को तोड़ता है तभी जाके वापस से कोई ऊपर के लेवल्स बन सकते हैं बट आई वुड अवॉइड अगर ये छह को तोड़ता भी है तो भी मैं इसको वहां पे Uh, करूंगा बट बहुत कम चांसेस है देखो मैं तो आपको 580 के दे रहा हूँ यू नो तो 580 के नीचे अगर 570 के नीचे जाए तो 550 और अगर 545 के नीचे चला गया तो आप सीधा 500 आपको 20 के लेवल्स मिलेंगे तो बहुत नीचे के लेवल्स आगे आने वाले हैं ठीक है ना तो इसको आई एम वेरी वेरी बिरिश बहुत ज्यादा बिरिश हो इंट्रा हो या शॉर्ट टर्म हो काफी ज्यादा बेरिश हो नैचुरल गेस में तो मैं वीडियो को दोस्तों यही एंड करता हूँ अगर आपको चैनल अच्छा लगा है अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल जरूर दबा लीजिएगा ऐसा करने से आपको वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे वीडियो को अगर अच्छा लगा आपको वीडियो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें जितना आप ज्यादा शेयर करेंगे जेन्यून कंटेंट को मुझे लगता है जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपको जेन्यून कंटेंट मिलेंगे और जितना जेन्यून कंटेंट स्प्रेड होगा जो काफी सारे लोग जो इसमें गवाते हैं या कुछ इस तरीके की बातें करते होती है उनके साथ गैमलिंग टाइप का उनको उनसे निजात मिलेगी एंड मुझे लगता है कि अगर ऐसा होगा तो इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी हमारा रिवेन्यू जनरेट होगा तो गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलेगा सो लेट्स स्प्रेड द जेन्यून स्टफ बी जेन्यून ओके सो दिस नाइसफुल थॉट दिस इज अजय एंड साइनिंग ऑफ